हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन सेंटर बेत पीजी में फिर से आपका स्वागत है न्यू अपडेट के साथ। बात करते हैं एक कल्याण की, ठीक है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना, जो लड़की ने आवेदन किया है इसमें आज जिनका पैसा अभी तक नहीं आया है 25,000 रुपया, कृपया इस वीडियो को देखें, ठीक है। और काफ़ी लड़की लोग का इस 25,000 रुपया आ गया है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी लड़की लोग का 25,000 रुपया आ गया है। और जिनका नहीं आया है तो हम आपको कारण बता दे रहे हैं जिनका पैसा क्यों नहीं आया आपको, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपका आईडी जो पासवर्ड है, आईडी और पासवर्ड से, ठीक है, इसको आप लोग लॉगिन करिएगा। यहाँ पर आप यहाँ मोबाइल पर आप लोग लॉगिन कर लीजिए, इस पर क्लिक करिएगा तो आप लोग आईडी या पासवर्ड डालकर लॉगिन करिएगा। अपना देखिएगा कि फॉर्म आपका सबमिट है कि नहीं, पहला बात आप लोग फॉर्म देखिएगा कि फॉर्म आपका सबमिट है कि नहीं। दूसरा बात ध्यान रखिएगा, ऊपर में जैसे ही आप इस फॉर्म को खोलिएगा तो ऊपर में आप लोग का ऊपर में एक रेड कलर का, ठीक है, एक रेड कलर का आपको लुकेगा, ठीक है। वहाँ पर आप लोग को लिखा रहेगा कि डॉक्यूमेंट अपलोड, ठीक है, जो कि 1-2 महीना के बाद आपको मोबाइल पर मैसेज किया गया था कि अपना मार्कशीट या एडमिट कार्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट, दोनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर लेना है, ठीक है, करना है आपको, ठीक है। तो जिन लड़की का अभी तक मार्कशीट या एडमिट कार्ड जो कि आप लोगों का अपलोड नहीं है तो कृपया अपना अपलोड करा लीजिए, फॉर्म का स्टेटस चेक कर लीजिए, आपका फॉर्म सही है कि या गलत, ठीक है। अगर नहीं है तो अपना अपलोड करा लीजिएगा उस पर, ठीक है। इसी के कारण आप लोगों का पैसा जो आप लोगों का रुका होगा, ठीक है। और जिनका अगर अपलोड है अभी तक पैसा नहीं आया है, ठीक है, उनके लिए एक चीज़ और बता दें, अपना स्टेटस वेरिफिकेशन अपना जाँच कर सकती हो, ठीक है। आइए दिखा दे रहे हैं कैसे आपको जाँच करना है। नीचे में आइएगा तो आपको यहाँ लिखेगा व्यू एप्लीकेशन स्टूडेंट ऑफ स्टेटस ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, आप लोग इस पर आप लोग का क्लिक करना है, ठीक है। लिखा है व्यू एप्लीकेशन स्टेटस ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ क्लिक करके ठीक है इस पर क्लिक कर दीजिएगा। करने के बाद आप लोग ध्यान रखिए, यहाँ पर आपको एक चीज़ आपको मांगेगा, आधार कार्ड या अकाउंट नंबर, ठीक है, आधार कार्ड या अकाउंट नंबर। जैसे ही आप लोग आधार कार्ड अकाउंट नंबर को दोनों में से कोई एक आपको चूज करना है, ठीक है, या आधार कार्ड है तो आधार कार्ड चूज करिएगा, अकाउंट नंबर है आप लोग का अकाउंट नंबर चूज करिएगा, ठीक है, ठीक है, दोनों में से कोई एक आप डाल दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए आपका आधार कार्ड यहाँ पर है, ठीक है, जैसे ही आप लोग डालिएगा, जैसे ही आप लोग डालिएगा तो यहाँ से आप लोग सर्च करिएगा, सर्च करने के बाद आपको 4 या 5 कलम आपको लगेगा, ठीक है, वहाँ से आप लोग को वेरिफिकेशन होते दिखेगा उस पर कहाँ तक आप लोग का वेरिफिकेशन हुआ है, ठीक है। आपका लास्ट में है इसमें पेमेंट डन, जो लास्ट में होगा आपका पेमेंट डन का लिखा होगा, ठीक है। अब कितने लड़के का जो कि वेरिफिकेशन वीके इशू से हो रहा है, ठीक है, वीके इशू से हो रहा है, ठीक है, वहाँ तक कितने लड़की का रुका हुआ है प्रोसेस यूनिवर्सिटी की तरफ से, बाकी सब देख लीजिएगा कि आपका अकाउंट आधार नंबर सब अकाउंट नंबर आधार नंबर आपका जो कि वेरीफाई हुआ है कि नहीं अपना चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चेक करने के बाद आपको दिखाई दे देगा कि आपका जो कहाँ तक आप लोगों का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। अब पहला बात जो हम आपको बताए थे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, वो अपना जांच कर लीजिएगा, ठीक है, काहे कि उसी के कारण आप लोगों का पैसा नहीं जा रहा होगा अभी तक अकाउंट में, ठीक है। अगर अगर सब क्लियर है फॉर्म में तो आप लोग यहाँ से आप लोग आईडी आधार कार्ड या अकाउंट नंबर डालकर यहाँ सर्च करके अपना फॉर्म को जाँच कर सकती हो कि कहाँ तक आप लोग का वेरिफिकेशन हुआ है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिएगा, और न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है दोस्त, थैंक्स।